चली और यम दोनों की सौगंध खाकर सत्य कहो संज्ञा कि क्या तुम्हारे अपहरण में इंद्रदेव का हाथ था? यम की शपथ भी लेकर कहो संज्ञा। मरण रहे यदि त्रिदेव को साक्षी मानकर तुमने असत्य कहा तो पुत्रहीन हो जाओगी। एक हाथ की सौगंध उठवाओ या सौ के विश्वकर्मा, जब मैंने छाया का अपहरण किया ही नहीं तो कह ही नहीं सकती। मैं त्रिदेव को साक्षी मानकर सौगंध खाती हूं कि मेरा अपहरण हुआ था। और उस अपहरण के पीछे इंद्रदेव का हाथ था। ये नहीं हो सकता। शांत देवराज, माता ने त्रिदेव को साक्षी मानकर यह शपथ ली है, अब आपको अपना दंड स्वीकारना होगा। वचन स्मरण है ना देव? आपको तब तक के लिए देवराज का पद और सिंहासन त्यागना होगा जब तक कि आपके मन से कलुषित भाव बाहर नहीं आ जाते। शमी का मत उचित है। इंद्र को इसी समय देवराज के पद से निष्कासित किया जाए। देव को साक्षी मानकर असत्य बोल दिया। अब मेरे पास कोई मार्ग शेष नहीं है। यहां अनर्थ हुआ सूर्यदेव। मैं आपको बताता हूं कि सत्य क्या है। आज देवराज, अब एक और नई कहानी नहीं। कहानी तो वर्षों से आपके नाक के नीचे चल रही है सूर्यदेव, और आपको अनुमान तक नहीं। ये स्त्री, ये देवी, देवी संज्ञा नहीं है, ये छाया है, छाया। सावधान इंद्रदेव, मत भूलिए कि आप शनि की माता को संबोधित कर रहे हैं। जानता हूं शनि कि मैं तुम्हारी माता को ही संबोधित कर रहा हूं। सूर्यदेव, ये शनि की माता अवश्य है, परंतु आपकी पत्नी नहीं। आपकी पत्नी का प्रतिरूप है ये, प्रतिरूप। ये छाया है, छाया। वर्षों से सूर्यदेव, वर्षों से आपके साथ छल कर रही है ये। अगले शब्द कहने से पूर्व दो बार सोच लेना इंद्रदेव। शब्द नहीं, अब सत्य की बारी है। कहकर नहीं, मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा।
देवी संज्ञा बाहर आइए। मैं देवराज इंद्र आपका आवाहन करता हूं, सभा में आइए देवी संज्ञा और इन सबको सत्य बताइए। मैं संज्ञा ही हूं देवराज, और मैंने जो कहा सत्य कहा। नहीं, तुम संज्ञा नहीं हो। यदि तुम संज्ञा हो तो तुम छाया कहां है? छाया, ये क्या प्रलाप है इंद्रदेव? प्रतीत होता है सिंहासन छिन जाने के भय से देवराज इंद्र अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। देवराज इंद्र अपनी समस्त देवी शक्तियों को एकत्रित करके आवाहन करता हूं कि सूर्य महल में संज्ञा और छाया जो कोई भी छुपे हो इसी समय यहां प्रस्तुत हो। विश्वास हुआ देव, मैं ही संज्ञा हूं और मैं यहां अकेली हूं। आप ही बताइए देव विश्वकर्मा। अरे आप तो सब जानते हैं, बताइए इन सबको कि छाया और संज्ञा दो भिन्न अस्तित्व हैं। जिन्हें आप छाया और संज्ञा कहकर भ्रम फैला रहे हैं उनका एक ही अस्तित्व है। आप सत्य कह रहे हैं देवी संज्ञा। आप बताइए छाया के बारे में। अरे बताइए सबको कि छाया है। कोई छाया नहीं है, केवल मैं हूं, और मैंने अपनी संतान की शपथ झूठी नहीं खाई है इंद्रदेव। भस्म कर दीजिए मुझे देव, बहुत अपमान सह लिया मैंने। मैं आपकी व्याहता हूं, आपकी अर्धांगिनी, यम यमी की माता हूं मैं, और इंद्रदेव कह रहे हैं कि मुझ पर लांछन लगा रहे हैं कि मैं यम यमी की माता नहीं। मेरी कोक पर प्रहार किया है इन्होंने देव, मैं ये लांछन और नहीं सह पाऊंगी। मेरे मत से देवऋषि नारद का मत उचित है। देवराज इंद्र अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, उन्हें इसी समय देवराज पद से हटा देना चाहिए। नहीं, नहीं। ये नहीं हो सकता, मैं देवराज हूं, देवराज इंद्र, मैं ही देवराज आऊंगा। मौन इंद्रदेव, मौन। सत्य क्या है ये सबको ज्ञात हो चुका है, और त्रिदेव का प्रतिनिधि होने के नाते मैं ये घोषणा करता हूं कि इसी क्षण इंद्रदेव को देवराज के पद से मुक्त किया जाता है। आपको इसी समय
अपना सिंहासन और मुकुट दोनों का परित्याग करना होगा। परंतु देवराज का पद रिक्त नहीं रखा जा सकता, इसलिए किसी और देव को हमें तुरंत अंतरिम देवराज का पद देना होगा। मेरी दृष्टि में सूर्य देव से अधिक इस पद का कोई पात्र नहीं। मैं शनि के इस कथन से सहमत हूं। ये छल है, ये छल है। रुक जाइए इंद्रदेव, बिना मुकुट त्यागे आप इस सभा से नहीं जा सकते। देवऋषि, मैं अपना मुकुट नहीं दूंगा, मैं देवराजेंद्र हूं। और आप देवराजेंद्र का अपमान नहीं कर सकते। देवऋषि, देवऋषि मेरे पास मत आइए। बाप देवराज नहीं रहे इंद्र, आपको दंड स्वरूप देवलोक से निष्कासित किया जाता है। मुझसे छल हुआ, मेरा पद छिना, कोई आश्चर्य नहीं। परंतु शनि की दृष्टि सत्य ना देख पाई, आश्चर्य हुआ। मेरे असत्य को कितनी बार पकड़ा तुमने शने, परंतु मेरे सत्य को पहली ही बार में नकार दिया। आश्चर्य इस सत्य तक पहुंच कर कि मैंने देवी संज्ञा का अपहरण किया, परंतु अपनी माता के अस्तित्व का सत्य नहीं जान पाए शने। इंद्रदेव,
मैं यहाँ ना तो क्षमा मांगने आई हूँ ना ही सांत्वना देने, परंतु मैं अपने शीश पर अपराध बोध नहीं चाहती, इसलिए केवल बताने आई हूँ कि क्यों सभा में मुझे सत्य बोलना पड़ा। क्योंकि मैं त्रिदेव को साक्षी मानकर अपने पुत्र यम की सौगंध झूठी नहीं खा सकती थी। छाया ने स्वयं को मुझ में विलुप्त कर लिया और अब मेरे लिए आवश्यक था अपने पुत्र यम की रक्षा करना और सूर्यदेव के विश्वास की भी। विश्वास? इस विश्वास के लिए मुझे अपने सिंहासन का मूल्य चुकाना पड़ा देवी संज्ञा। उसमें मेरा कोई दोष नहीं इंद्रदेव, हम दोनों ने संधि की अपने अपने लाभ के लिए। आपको शनि नामक दास चाहिए था और मुझे छाया और उसके पुत्र से मुक्ति। छाया मेरे जीवन से चली गई है और शनि से मुक्ति मैं अकेले ही पालूंगी। इसलिए अब आपका और मेरा साथ और संधि यहीं समाप्त होते हैं। नहीं, स्मरण रखना देवी संज्ञा, जो आज सभा में सिद्ध ना हो सका वो मैं आने वाले समय में करके दिखाऊंगा। किसी भी मूल्य पर शनि को सत्य बताकर आऊंगा मैं। मैं जानता हूं माता कि बहुत दुख हुआ आपको इंद्रदेव के आरोपों से, था तो आरोप ही ना, मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकती थी पुत्र कि देवराज होकर भी इंद्र इस स्तर तक गिर जाएंगे। मुझे इंद्रदेव के आरोपों से कोई अंतर नहीं पड़ता माता। यदि महादेव भी आकर मुझे कह दे कि आप मेरी माता नहीं, तब भी मैं अस्वीकार कर दूंगा। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि सभा में आपने सबसे पहले असत्य क्यों कहा कि आपका अपहरण नहीं हुआ था। बताइए माता, क्या आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं?